ये देखो, कंसिडरेशन की डेफिनेशन में सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, अब देखो इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रही मैं, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है, ये हो गया, प्रेजेंट की बात हो रही है, नहीं, हैज डन, फिर देखो डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये हो गया प्रेजेंट, ये था पास्ट, और ये टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये हो जाएगा फ्यूचर, ठीक। तो कंसिडरेशन पास्ट के लिए भी मिल सकता है, मतलब पास्ट के किसी काम के लिए, पास्ट एक्टिविटी है ना, प्रेजेंट एक्टिविटी के लिए भी, या फिर फ्यूचर में जो काम होगा उसके लिए भी। एब्सटिनेंस का मतलब समझ में आ रहा है ना, किसी काम को नहीं करने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमेशा याद रखना सबसे अच्छा, वो चेक लगाने वाला, आया कुछ याद में, इस टाइप का कुछ किए थे अपन? यस मैम। अब देखो कंसिडरेशन, देखो क्या लिखा है, रीड करो। कंसिडरेशन मे बी एन एक्ट मीन्स डूइंग ऑफ समथिंग, ठीक। एन एब्सटिनेंस भी हो सकता है, कंसिडरेशन मतलब प्रोमिसिंग नॉट टू डू समथिंग, और कंसिडरेशन मीन्स एक प्रोमिस भी होता है। द प्रोमिस ऑफ ईच पार्टी इज द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर, मतलब वो लोग जो एक दूसरे से प्रोमिस करते हैं, एक प्रोमिस कर रहा है किसको, तो जो जैसे एक प्रोमिस कर रहा है कि उसको वो राइस सप्लाई करेगा 500 बैग्स, तो ये एक प्रोमिस है, तो ये सामने वाले के लिए कंसिडरेशन है, और ये जैसे उसके बदले उसको 5,000 या 10,000 देगा, तो वो सामने वाले के लिए कंसिडरेशन, तो दोनों ही कंसिडरेशन है दूसरों के लिए। इसमें नेक्स्ट देखो, क्या लिखा है, देखो एसेंशियल्स यानी फीचर्स, फर्स्ट पॉइंट देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना, अगर कंसिडरेशन आया है तो हमको ये सब लिखना ही है। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, फर्स्ट पॉइंट, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कितने पर्सन होते हैं, एक प्रोमिसर, फिर प्रोमिसी, प्रोमिसर कौन होता है जो ऑफर करता है, प्रोमिसी जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो कंसिडरेशन हमेशा किसके अकॉर्डिंग मूव करना चाहिए, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। एक्स हाउस कैचेस फायर एंड वाई हेल्प्स इन एक्सटिंग्विश इट विदाउट बीइंग रिक्वेस्टेड टू डू सो बाय एक्स, वाई कैन नॉट डिमांड एनी पेमेंट फॉर वॉलंटरी सर्विस। देखो एसेंशियल्स जो है वैलिड कंसिडरेशन के, इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो कंसिडरेशन है वो कौन ऑफर करेगा, इसमें प्रोमिसी ऑफर करेगा, किसको ऑफर कर रहा है वो, प्रोमिसर को, ठीक। लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं है कि अगर वो पैसे दिए जाएं उस काम के बदले, 5,000 के इक्विवेलेंट कुछ भी होगा वो भी उसको अगर मिलेगा तो वो भी उसके लिए क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन हो जाएगा। सपोज आप लोग कोई एग्जाम्पल बता सकते हो, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर का, बताओ। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ऑब्वियस है कि प्रोमिसी से ही तो मतलब निकलेगा ना पैसा, कौन
कौन देगा पैसा? प्रोमिसी. तो मे मूव, कहाँ से मूव करेगा? मतलब जो फर्स्ट स्टेप निकलेगा. सपोज अगर पैसे कहीं से निकल रहे हैं तो मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी. तो फर्स्ट स्टेप कहाँ से निकलेगा? वो प्रोमिसी से. और इसमें क्या लिखा है? मस्ट मूव एट द डिजायर. यहाँ पे डिजायर मतलब उसकी इच्छा अनुसार होगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो निकलेगा वो कहाँ से होगा? प्रोमिसी के थ्रू ही निकलेगा. नेक्स्ट देखो, मतलब इसको बोल सकते हैं प्रोसीड करना या फिर अराइज होना. तो कंसिडरेशन किसके थ्रू अराइज होता है? प्रोमिसी के थ्रू. लेकिन किसकी इच्छा में निकलता है? प्रोमिसर की. ये दोनों अलग चीजें हैं. आ रहा है समझ में? अब देखो, कभी कभी क्या होता है, जैसे इसको पैसे देने हैं, प्रोमिसी को पैसे देने हैं, तो प्रोमिसी अपने बिहाफ पे दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर सकता है कंसिडरेशन देने के लिए. जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता था, वो नेगोशिएबल होता था ना, ट्रांसफरेबल. तो थर्ड पार्टी भी पे कर सकती है किसी को, या फर्स्ट को थर्ड पार्टी पे कर रहा है. तो इसको बोलते हैं, अगर स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको बोलेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन. क्या बोला मैंने? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन, याद रखना. लिखना पड़ेगा क्या उसका स्पेलिंग? नो मैम, पर एग्जांपल देना ना एक इसका. डॉक्ट्राइन ऑफ कंसिडरेशन सबके एग्जांपल लिखवाऊंगी भी, टेंशन मत लो. आपके लिए जो नोट्स रेडी हुए हैं उसमें सबके एग्जांपल्स हैं. उसमें डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन. नेक्स्ट देखो, कंसिडरेशन मे बी एक सेकेंड वेट करना. हाँ चलो, कौन से पॉइंट पे थे अपन? यही वाला जो थर्ड वाला लिखा है, यही वाला था. ठीक, और कुछ भी दिखा स्क्रीन पे जल्दी से? Consideration may be in the form of written promise or an abstinence or forbearance. Forbearance क्या होता है? बोलो. Forbearance क्या होता है? The quality. ठीक है, फोरबेरेंस का मतलब होता है किसी को माफ कर देना. ठीक है, अगर किसी ने कुछ गलत किया, डन समथिंग रॉन्ग, तो विथ पेशेंटली उसके गलत को सही करना और उसको फॉरगिव कर देना. आ रहे समझ में? कंसिडरेशन मे बी पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, और फ्यूचर भी हो सकता है. ठीक है, पास्ट कंसिडरेशन में क्या होगा? कोई पास्ट में कोई काम किया है तो उसके लिए अभी पैसा मिलना. प्रेजेंट मतलब ऑनगोइंग है. फ्यूचर में कोई काम होगा और उसके लिए पैसा मिलना. तो कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. आया समझ में? जो देखो, और जो प्रेजेंट होगा उसका एक नया नाम है एग्जीक्यूटेड, याद रखना. और जो फ्यूचर है वो है एग्जीक्यूटरी. कहीं पे डाउट? तो कहाँ गए तुम लोग? नहीं है डाउट. तुम लोग मेरे को कंफ्यूज कर दोगे एक काम दिन. देखो, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट. ठीक है, नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, बट इट मस्ट हैव सम वैल्यू.
जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन, मैंने बताया ना मनी या मनी के इक्विवेलेंट होना चाहिए, मनी और मनी इज वर्थ, ठीक। फिर क्या बताया था, समथिंग इन वैल्यू, तो जरूरी नहीं है वो उसकी इक्विवेलेंट हो, एडिक्वेट हो, ये जरूरी नहीं है, बट उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, बट इट मस्ट हैव सम वैल्यू। फिर कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, नॉट इल्यूजरी। इल्यूजरी क्या होता है? इल्यूजरी मीन्स जब आप सोचो कोई गवर्नमेंट आप काम करवा रहे हो और आप उसके बदले कुछ वहां पे फीस या फाइन पे कर रहे हो, ठीक। तो ये जो फीस और फाइन जो आप वहां पे कर रहे हो, ये कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ उस पर्सन के लिए, ये तो एक तरीके का क्या हो गया, लीगल ड्यूटी थी उसको पे करना। तो ऐसी चीजों को आप कभी भी कंसिडरेशन नहीं मानना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, मतलब ऐसे नहीं कि कम के लिए कुछ ज्यादा ही पैसे मांगे रहे हैं, तो कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए उसमें, ठीक। इमोरल नहीं होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, ठीक। नॉट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, चलो पूछो कहीं पे डाउट है सातों पॉइंट्स में से कहीं पे भी, तो बताओ। कहीं पे डाउट? सिक्स्थ वाला क्या है, रियल एंड नॉट इल्यूजरी। देखो रियल एंड नॉट इल्यूजरी का मतलब है कि कभी भी कंसिडरेशन को दूसरी चीजों से कंपैरिजन मत करना। जैसे आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप उसको फीस पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है हमको कॉलेज में पढ़ने के लिए फीस पे करनी पड़ती है, तो आप उसको कभी भी ये मत सोचना कि मैं उस कॉलेज में पे करने के लिए इतना सारा अमाउंट पे कराऊं, नहीं, वो कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो तो एक लीगल ड्यूटी है। तो इसमें ये बोला जाता है कि कंसिडरेशन को कभी भी फीस या फाइन या चार्जेस या ट्यूशन फीस वगैरह से कंपेयर नहीं करना है, इसलिए लिखा है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। तो अगर आप उसको फीस और फाइन वगैरह से कंपेयर करते हैं तो वो इल्यूजरी हो जाएगा। आया समझ में?